एडवाइजरी कमेटी संसद के चलने से पहले दोनों पक्षों को बुला करके एजेंडा तय करती है। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के वक्तव्य से मैं सहमत हूँ, अकेले चेयरमैन कोई चीज़ तय नहीं करते। कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, लाइक माइंडेड अपोजिशन जो पार्टी है 20 अगस्त को बुलाई गई है। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एम के स्टालिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, किस तरीके से देखते हैं सर चुनाव? बंगाल चुनाव के बाद एनडीए विरोधी गठबंधन में एका नहीं है। पहले ममता बनर्जी विपक्ष की नेता बनने का प्रयास कर चुकी हैं, बीच में शरद पवार जी का नाम चला था और अब सोनिया गांधी तीसरे प्रयास में जुटी हुई है। सर, जिस तरीके से सीपीआई एमपी के हैं, उन्होंने लेटर लिखा है सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा कि ये जो मारपीट हुई है इसके लिए एक प्रोब होनी चाहिए, किस तरीके से? जो फुटेज सामने आए हैं उसको और प्रखरता के साथ सदन के, राज्यसभा के सदस्यों के सामने लाया जाना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ट्विटर इंडिया के महेश्वरी, उनको अमेरिका मूव कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मुझको लगता है कि उनका जिस तरह का रवैया पिछले काफ़ी दिन से भारत में रहा है और संचालन जिस तरह से हुआ है, शायद उसी को लेकर के उनका तबादला किया गया है। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लेटर लिखा था पीएम मोदी को जातिगत जनगणना के, उसमें कहा डू नॉट सब्सक्राइब टू बीजेपी आइडियोलॉजी, किस तरीके से देखते हैं ये? नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसका सबसे पहले, इस प्रश्न को सबसे पहले उठाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। हमें प्रसन्नता है कि बिहार की सभी पार्टियों ने सामूहिक तौर से